लोग आगे एकदम समुद्र। अभी चलते हैं हम लोग। और ये देखो, ये हमको मिला चश्मा। लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। और अभी चल के देखते हैं। हीरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही। सो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। सो गाइस, इस वक्त मैं बैठा हूँ जू बस स्टॉप पे और हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। असल में हमारे साथ हमारा एक दोस्त आने वाला था सुबह सुबह, लेकिन उसने हमारे साथ की गद्दारी। आखिर में उसने प्लान बदल दिया अपना और मेरे को बोलता कि मैं नहीं आ पाऊंगा भाई। तो कोई नहीं, उसने तो धोखा दे दिया, लेकिन कोई नहीं, हम अकेले आ गए सुबह सुबह उठ के। हमने बोला हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमको अकेले आना है। साथ में मैंने अनिल सर को भी लिखा है, पीछे दिनाधीन कर रहे हैं। तो चलो फिर, अभी हम लोग जू बस स्टॉप पे है और हम लोग आज जाने वाले हैं जू बीच पे। तो 5 मिनट की दूरी पे हमारे जू बीच, तो चलते फिर फटाफट। तो फिर अब निकलते हैं हम लोग। तो अनिल सर बाय बाय, उठा उठा के पटकूंगा। तो चलो फिर चलते हैं हम लोग जू बीच पे, आज जाएंगे हम लोग। तो गाइस ये है रास्ता जू बीच का और वहाँ पे है जू बीच। तो ये देखिए पूरी गाड़ी, सुबह सुबह का माहौल ये है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जू बीच पे। ये देखिए हमारे पीछे है पूरा समुंदरी समुंदर, रेगिस्तान भी है पूरा नीचे। ये देखो पूरा पानी में है। तो चलो जाके पानी में डुबकी मारते। रहा नहीं जाता, नहीं वो नहीं करना हमको। सुबह सुबह हम नहा के आए, तो फिर चलो फिर अंदर पूरा जाते हैं। तो गाइस कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा हूँ हमको। फोटो खिंचाने के लिए जबरदस्ती अंकल ने बोल दिया, तो फोटो खिंचाते अभी गॉगल पहन के। सो मैंने चश्मा निकाल दिया, मैंने अंकल को बोला अंकल फोटो नहीं खिंचाना है, तो उन्होंने चश्मा बोला इधर दे, रिटर्न दे चश्मा मेरा। चल चल चलो कोई गाइस, लेकिन यहाँ पे बारिश बहुत जोरों से हुई है, तो पूरा पानी भरा हुआ है बीच पे, मतलब पूरा ऊपर तक पानी आ चुका है। तो चलो गाइस, तो बारिश हो रही है यहाँ पे और इस वक्त जाने कैसी बातें हैं जो दिल कह पाए ना। बारिश हो रही है जोरों से। अभी हम लोग आ गए हैं जू बीच पे और अभी चल के देखते हैं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। गाइस ऐसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब अभी पब्लिक ही नहीं, मतलब एकदम शांत है। मेरे को आई थिंक लग रहा है कि इस समय सुबह के समय कोई भी नहीं, मतलब इस समय 12 बज रहे ना, पब्लिक ही बहुत कम है गाइस। पहले जैसे है नहीं पब्लिक, ऐसा लग रहा है। पहले तो एकदम भसड़ मसड़ रहता था, मतलब खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहता था ऐसा। लेकिन अभी देख रहे हो पूरा, मतलब खाली खाली बीच है, कोई है नहीं, ऐसा लग रहा है पब्लिक ही नहीं है इधर। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग। और ये देखो, ये हमको मिल गया हमारे चाचा। और बढ़िया, हमको जानते हो आप? साले इतने चौंटे मारूंगा। हमको जानते नहीं? तो चाचा को मैंने पूछा, हमको नहीं जानते चाचा? चलो जब क्यों, चलो ठीक है, थैंक यू चाचा। हम लोग आगे एकदम समुद्र। इश्क जैसे है एक आदमी, इश्क है एक तूफान, इश्क उधर के किनारे पे और यहाँ पे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से निकले तो करेंगे मर्दों वाली बात। तो आज हम लोग निकल के जाने वाले, फिर हम लोग जाएंगे देखते हैं क्या क्या। तो गाइस यहाँ के दुकानों का रेट तो एकदम हाई फाई है भाई। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये जू बीच पे ये दुकानें, मतलब स्टॉल है, फूड स्टॉल है। यहाँ के रेट भाई जमीन आसमान छूते, मतलब जो बाहर आपको 10 रुपए पे मिलेगा रोड पे, यहाँ पे 30-40 रुपए दुगना तिगना मिलता है आपको। तो फिलहाल के लिए तो आज हमको लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे है खाने का स्टॉल जो कि बहुत 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 महंगे महंगे है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली खाते खाते सामने समुंदर का व्यू ले सकते हो। ये देखो ये है जू बीच और आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइस अभी दिल की फंसी है नैया मझधार में, सुन हम लोग फिलहाल के लिए जू बीच पे है। गाइस यकीन नहीं हो रहा, पूरा जू बीच खाली है। देखो आप मेरे पूरा पीछे देख सकते हो, पूरा जू बीच खाली यार। मतलब मैं गलत टाइम पे है या फिर ऐसे ही रहता है? आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ये अभी पब्लिक नहीं यार इस समय, क्योंकि इस समय बारिश भी हो रही है। पूरा पानी आप देख सकते हो गाइस, पूरा पानी ऊपर तक आ गया है ना।
तो इसके लिए मेरे को लग रहा है पब्लिक भी कम है। तो जिस दिन बारिश, क्योंकि अभी बारिश गिर रही थी, अभी 10 मिनट हुआ बारिश बंद हुई तो हम लोग फिर बाहर आए, तो अभी भी बारिश हो रही थी गाइस। और यहाँ पे तो मच्छी तो बहुत सारी ऐसी। माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मेला हो जाता बेटा। पड़े हुए छोटू, क्या हाल है? मुझे फिर हाने मेरे गाइस, मुझे मेरा दोस्त मिल गया, मेरा दोस्त। अरे कहाँ जा रहे? अरे मेरा दोस्त, अरे अरे उलू उलू उलू, मेरे को छोड़ा था तू, यहाँ पे क्या घूम रहे तू, और क्या हाल चाल है बता। अरे 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 अरे, पैसे नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं, मेरे को खुद भूख लगी, इसको कहाँ से खिलाओ यार। सोच रहे हमको कुछ खाने के लिए जा सकते, क्योंकि हमको बहुत भूख लगी है। तो गाइस अभी मैं सोच पानी में जाके हम लोग नहाना चाहिए। तो गाइस ये पानी में मुंह धोने से आपका मुंह साफ हो जाएगा, तो आप लोग भी एक बार जरूर आके धोना, ये जू बीच में पानी में घुमाई। तो गाइस अभी हम लोग शांति से एक जगह बैठे हैं। तो गाइस क्या मस्त सामने समुंदर और मस्त ठंडी ठंडी हवा, और धूप भी चली गई है, पूरे काले बादल छा गए, और अब बारिश होने वाली है। मेरे को लग रहा है बारिश भी गिरना शुरू हो गए, तिम 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 थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है। तो गाइस लेकिन क्या मस्त मजा आ रहा है, एकदम ठंडा फील कर रहा हूं, एकदम फ्रेश। बीच पे यही तो अलग मजा आता है यार, मतलब आराम से आप शांति से रिलैक्स फील कर सकते हो। तो लेकिन अभी डर लग रहा है कि एकदम काले बादल छा गए और बारिश भी होने वाली है, तो होप जल्दी बारिश ना गिरे, थोड़ी देर के बाद ही गिरे। गाइस बारिश शुरू हो रही है, अब तो धीरे धीरे गिरती है, अब थोड़ा फास्ट हो गई है, तो अब देखते हैं। बंद रहे यार, मतलब ये समय पे यार बारिश क्यों आ जाती है यार, तो होप करते हैं बारिश ना गिरे। सो गाइस आप कहीं भी चला जाओ, ये आपको जरूर दिखेंगे, चाहे आप मरीन ड्राइव रहो या फिर जू बीच आओ या फिर कहीं भी जाओ, या आपको कबूतर, ये सब हमेशा हर जगह आपको ऐसे ये सब दिखेंगे। शुरू होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग तारों के शहर में जाए। यहाँ से निकल के तो फिर देखते हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, अभी कर से तो नहीं सकते, तो देखते हम लोग अभी फिलहाल के लिए। तो चलो फिर चलते साथ तेरे पीछे। हेलो दोस्तों, तो अचानक बारिश शुरू हो गई भाई, जिसका हमको डर था वही शुरू हो गया बारिश, एकदम जोरों से बारिश हो रही है, और सब लोग भाई भागने लग गए यहाँ से वहाँ, सब लोग बचा रहे, कोई कोई तो भीग ही रहा है अभी तक बारिश में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी बस स्टॉप पे निकलते, क्योंकि बारिश बहुत जोरों से शुरू होने वाला है, और मतलब शुरू ही हो गया भाई, सब लोग भाग रहे यहाँ से। तो अभी बारिश मेरे को नहीं लगता, क्योंकि पूरे काले बादल छा गए ऊपर, तो हम लोग भी निकलते फिर यहाँ से। अभी हमको यहाँ से फिर जाना पड़ेगा स्टेशन पे। बारिश अभी बस स्टॉप पे आने के बाद बारिश तो एकदम रुक सी गई। ये तभी वेट कर रहे हैं बस का, जब आएंगे फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस एक पोपट हो गया हमारा, हम लोग गलत बस स्टॉप पे बैठे थे, वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बस आती है लेकिन बहुत लेट आती है। भाई मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, खा ही नहीं रही बस, तभी मैं पूछा एजेंट को, तो उसने बोला कि गलत बस स्टॉप है, दूसरे बस स्टॉप सामने है। तो अभी चलते हैं हम लोग सामने वाले बस स्टॉप पे। तो गाइस और आप देख सकते हैं अभी बारिश भी रुक गई है, जब हम लोग वहाँ पे थे बीच पे तो बारिश एकदम जोर से शुरू हो गई थी, और अब बारिश भी रुक गई है। तो कोई नहीं गाइस, अभी हम लोग बस पकड़ते और निकलते घर पे जाते। तो ये वीडियो को यहीं तक रखता हूँ गाइस, होप करता हूं आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना यार, बहुत लोग देख ले तो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार, ऐसा क्यों? तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाओ। तो थैंक यू और जय हिंद। चिल्लर साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ, बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे।